फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बारे में क्या होता है, कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स ये रहे आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन शेफर्ड डॉग्स के बारे में। जर्मन शेफर्ड डॉग्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, केयर रखने में क्या ध्यान देना पड़ता है, मिक्स ब्रीड को कैसे पहचाने वगैरह, बहुत सी चीज़ें पर बात करेंगे। ये हॉस्टल पर अभी आया है, जो कि 2 महीने 2.5 महीने के आसपास का डॉग है ये। और इस एज में इनको बाइट वाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इधर उधर लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। ये सारे जर्मन्स या सारे डॉग्स, कोई सी भी ब्रीड हो, वो सब कॉमन चीज़ होती है। तो आज हम जर्मन के बारे में जब बात करेंगे, तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आ रहे था कि जर्मन शेफर्ड के बारे में बताएं, जर्मन शेफर्ड के बारे में बताएं। तो आज ये छोटा बच्चा जब हॉस्टल पर आया है, तो यहाँ से बता लगा कर पूरी उम्र तक का बताता हूँ क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं वो सब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, रोको। तो फ्रेंड्स, जर्मन बेसिकली 3 टाइप्स से होते हैं। इनमें जर्मन में क्या रहता है, कोट सिस्टम रहता है बाल। एक शॉर्ट बाल वाले डॉग्स रहते हैं, वो भी जर्मन शेफर्ड। एक लॉन्ग कोट, वो भी जर्मन शेफर्ड। एक डबल कोट, जर्मन शेफर्ड। कोट में सिर्फ इनके बालों की वृद्धि का ही फर्क है और कुछ नहीं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स मिक्स ब्रीड भी होते हैं इंडिया में ज्यादा, या मतलब ऐसा कह सकते हैं हर सिटी में आपको मिक्स ब्रीड भी डॉग्स जर्मन के मिल जाएंगे और ओरिजिनल भी मिल जाएंगे। ओरिजिनल की पहचान क्या रहती है, देखो अगर शो टाइप में खिलाना है तो उसका नोजल, उसके कान खड़े होने चाहिए, टेल ऐसे टाइप से रहने चाहिए, ऐसे जाके मुड़नी नहीं चाहिए, ऐसे रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एंगुलम में रहना चाहिए। डॉग को जब खड़े करते हैं एंगुलम में, मैं आपको कोई भी वीडियो मतलब शॉट या पिक्चर दिखाता हूँ जो कि इस टाइप से है। ये जर्मन जो आपको दिख रहा है इस टाइप से होता है। इसका आप ऊपर से शेप देख सकते हैं, खड़े करने की पोजिशन देख सकते हैं, ये शो में काम आते हैं। इसके अलावा जितने भी ऊपर नीचे होते हैं वो सब जर्मन बोलते रहते हैं। जिनके बाल भी बड़े हों और तो भी वो दिखने में पूरे जर्मन दिखते हैं, खाली उनके टेल मुड़ी हुई है या उनके कान खड़े नहीं हो रहे हैं या चेस्ट के ऊपर वाइट बाल है या पंजों पर वाइट है, बाकी पूरा जर्मन जैसा है, तो ऐसा नहीं रहता। जर्मन में 3 ही टाइप्स रहते हैं, जिसमें इस ब्रीड को लेके अगर हम चलते हैं तो इसमें जैसे बच्चे को या बड़े को कैसे भी देखे तो अपने एंगुलम बनना चाहिए, नोजल ऐसी होनी चाहिए और इसमें फिर बालों के हिसाब से आप कैटेगरी कर लीजिए। मिक्स ब्रीड को कैसे पहचाने, तो ये देखो जर्मन शेफर्ड में ऐसा रहता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतना ईजी नहीं रहता है उनको गैस करना। काट नहीं लगे। जब बच्चे 4 मंथ्स से थोड़े बड़े हो जाते हैं तब जर्मन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इससे छोटी उम्र में पहचाना नहीं जाता, क्योंकि बहुत चीज़ों की वजह से पता नहीं चल पाता स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तभी अपन मतलब लोगों को पता चलने लगता है कि मिक्स ब्रीड है या नहीं है। तो इनको पहचाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहचान लेंगे। फिर इनके बिहेवियर से बात करते हैं, तो जो जर्मन रहते हैं वो एक्चुअली जर्मन शेफर्ड ही इसीलिए बोला गया है क्योंकि उनका जो पहले का काम था वो भेड़ बकरियों को इधर उधर भागने ना देते और घेर के रखना या प्रोटेक्ट करना या इस टाइप के नेचर, या पुलिस में भी आपने देखे होंगे जर्मन शेफर्ड यूज होते हैं, तो वो उस गार्ड पर्पज से ही होते हैं। तो जो भी जर्मन शेफर्ड लेना चाहता है वो एक चीज तो पक्की है, वो लैब से बिल्कुल विपरीत रहता है। लैब एक नॉर्मल फ्रेंडली डॉग रहता है जर्मन के अकॉर्डिंग। और अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो हम गोल्डन रिट्रीवर पर जा सकते हैं, वो उसमें लैब की भी चीजें मिलेगी आपको और जर्मन की तरह प्रोटेक्ट करना, ऊपर मतलब थोड़ा अग्रेसिव होना, ये सब गोल्डन रिट्रीवर में भी दिख जाता है। अब जर्मन शेफर्ड में जब ये 4 मंथ्स तक रहते हैं तो सारे डॉग्स नॉर्मल चीजें सारी करते हैं, जैसे कि कुछ भी खा लेना, इधर उधर फ्रेश करना, ये वो, और बाइट करना। बाइट उस समय बाइट करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्रेशन शो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अग्रेशन के लिए कम से कम वो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 1.2, 1.5 या 2 ईयर, तब जाके वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं। अग्रेसिव क्यों होते हैं, तो उसके 2 रीजन है। एक तो वो हो सकता है वो मदर फादर बाई बर्थ ऐसा हो, दूसरा होता है रख रखाव पर। बहुत जनों के पास उनके मदर फादर तो एकदम नॉर्मल थे, लेकिन जिस
जिस ओनर ने भी उसको परचेस किया उसको रखने के आइडियाज नहीं थे, उसके साथ इस टाइप से खेल खेले या इस टाइप से उसके साथ बर्ताव रखा कि उसे इनसिक्योर फील हुआ और वो धीरे धीरे प्रोटेक्ट मोड में चला गया और अब वो अटैक भी करता है। तो जब भी डॉग फर्स्ट बार आपको अटैक कर ले तो प्लीज उसे इग्नोर मत करें, या तो उसे पनिश करें या फिर किसी अच्छे ट्रेनर से मिले। जितनी जल्दी मिलोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा अगर कोशिश करके बहुत बार 6-7 बार जनों को काट चुका होगा तो फिर आप लोगों को ही लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग पर छोड़ना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब वो बच्चा हो तभी आप उसे नो सिखाएं। किसी भी गलती को आप एक्सेप्ट मत करो, बस प्यारफुल करो, सब कुछ जैसा रखना है वैसा रखो, पर गलती पर उसे डांटे जरूर, उसे थोड़ा पनिश जरूर करें। और हमेशा ये बता कर रखें कि आप ही बॉस है, वो कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी छोटा रहे आप करके बॉस हो। छोटे रहते हैं जब तक तो ये चलता है अच्छा, जैसे जैसे डॉग बड़ा होने लगता है तो ओनर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और डॉग का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, फिर वो बाइट कर लेता है और बाइट पर जब अपन सही रिएक्शन नहीं देते हैं तब वो बाइट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके सबको बाइट करना स्टार्ट कर देता है। नो डाउट ये एक गार्ड डॉग है। और बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि डॉग पालने में कितना खर्च आता है या जर्मन शेफर्ड पालने में कितना खर्च आता है, तो खर्च का ऐसा है वो अपने खुद की जेब पे ऊपर डिपेंड करता है। आप 3,000 से लगा के 15,000 20,000 तक भी मंथली रख सकते हो। कैसे बोलते हो, 100 रुपये पर डे के हिसाब से डाइट बताए तो आप घर की डाइट दे सकते हो, जिसमें रोटी वगैरह दूध दही छाछ वगैरह भी यूज कर सकते हो, इसमें भी आपका काम बन जाएगा। सुबह शाम 50-50 रुपये के हिसाब से चले तो 3,000 में भी डॉग पाला जा सकता है। इसमें अगर आप बहुत सी चीजें, जैसे मैं अगर रॉयल कैनन पर रखूँ या पेडिग्री पर रखूँ तो हो सकता है 9-10 हज़ार पर चला जाए। अगर और भी हैवी फूड हैवी विटामिन्स वगैरह उन चीजों पर रखूँ, एसी वेसी सारी चीजें यूज करूँ और एकदम कंफर्टेबल राजा वाली लाइफ दूँ तो हो सकता है 25,000 पर मंथ खर्चा है। तो डॉग के ऊपर नहीं रहता, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्च आने वाला है या कितना पैसे लगते हैं। और जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग यस 100% आपको 7-8 मंथ्स के बाद तो दिलानी ही चाहिए, उसे बेसिक चीजें आ जानी चाहिए, कैसे रहना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसी को भी बाइट नहीं करना है। वो इतने दिखने में इतने भयानक होते हैं कि लोग वैसे ही उससे डर जाते हैं, और वो अगर बात कर देगा स्पीक कर देगा तो लोग अंदर ही नहीं जाएंगे, उनका फेस रीडिंग ही ऐसा रहता है, उनके दांत बड़े बड़े रहते हैं, दिखता भी भयानक है, कुकार टाइप का, तो लोग डर जाते हैं, उसे बाइट करने की जरूरत नहीं है। और अब इसको बाइट कर लेगी। बड़े जर्मन शेफर्ड या इनकी एज क्या होती है अगर वैसा जानना चाहें तो एज के हिसाब से देखे जाए तो नॉर्मल डॉग्स की एज 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बीच में आती है। लेकिन मैंने ज्यादातर डॉग्स देखे हैं वो बूढ़े तो कम ही होते हैं, किसी ना किसी वजह से चले जाते हैं, बीमारी पर भी हो सकता है कभी कभार किसी चीज पर। मोस्टली आप 20 ईयर्स से नीचे ही पकड़ें, ऊपर नहीं, इस दौरान इनकी एज होती है। अगर और मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट्स पर जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसमें जवाब दे दूंगा जर्मन शेफर्ड डॉग के बारे में। ओके फ्रेंड्स।